हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ याजी चिन्नम। आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ, वो है स्कैड। ओके, चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे स्कैडा क्या होता है और उसके इस्तेमाल क्या है और वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ स्कैडा? तो स्कैडा क्या होता है? देखिए दोस्तों, हम इसे प्यार से बुलाते हैं स्कैडा, लेकिन इसका फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजेशन। इसका काम ये होता है कि जो हमारे रिमोट लोकेशन में जो हमारा प्लांट है वो उसके ऑपरेशंस हैंडल कर सकते हैं ये कंट्रोलर यूज़ करके। ये मॉडर्न ज़माने का, मॉडर्न इंडस्ट्री का कंट्रोल सिस्टम है, जो आप रियल टाइम डेटा आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो और वहाँ पे जैसा काम कर रहा है वो बिल्कुल आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें इस कंट्रोल सिस्टम में आप जब देखेंगे तो इसमें तीन लेवल्स होते हैं। चलिए देखते हैं वो जो तीन लेवल से क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है फील्ड लेवल, यानी प्लांट लेवल आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सेंसर्स, फाइनल फाइनल कंट्रोल इक्विपमेंट, जैसे कि कंट्रोल वॉल्स, सोलेनोइड वॉल्स, सेंसर्स जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, फ्लो सेंसर्स एंड लेवल सेंसर्स, एवरीथिंग। जो भी आपका जो एंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब प्लांट लेवल में आते हैं। फिर बाद में आता है लेवल नंबर वन। लेवल नंबर वन में हार्डवेयर कंट्रोलर्स होते हैं जो आपके जो एंड इक्विपमेंट्स है उसे कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, यानी लॉजिकल प्रोग्राम्स हम डेवलप करते हैं कंट्रोलर में, वो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के मुताबिक आपके जो फील्ड इक्विपमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लेवल नंबर टू। लेवल नंबर टू में आता है सुपरवाइजरी सिस्टम्स। ये एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो आपके प्लांट के ऑपरेशंस। ये कैसे होता है देखिए, जो हमारा प्लांट के जो एंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो पीएलसी कंट्रोल करता है। पीएलसी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये एक हार्डवेयर कंट्रोलर होता है। ये पूरा ऑपरेशंस पीएलसी करता है डायरेक्ट। ओके, तो हम स्कैडा जो सुपरवाइजरी सिस्टम्स है, जो हमारा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, इसका काम ये होता है कि जो पीएलसी जो काम करता है उसे हम डेटा एक्सेस करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पीएलसी से कलेक्ट करते हैं। पीएलसी से डेटा कलेक्ट करके हम प्रेजेंट करते हैं मॉनिटर में। वो एक एनिमेशन की तरह होता है, एक ऐसे ही होता है कि ऐसा होता है कि आप कोई भी समझ सकता है कि अपने प्लांट में क्या हो रहा है, लेकिन ये एक वर्चुअल डिस्प्ले है। यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि आप फील्ड में हो, जैसे देख रहे हो फील्ड में, जैसे देखो देखते हो वैसे आपको यहाँ पे स्कैडा में स्कैना स्कैडा मॉनिटर में दिखता है। ठीक है, तो इसका यही है कि मेन इंटेंशन रिमोट कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग है। ठीक है, तो आपके जो रिमोट लोकेशंस में या रिमोट स्टेशंस में जो भी आपके प्लांट है या जो भी प्लांट ऑपरेशंस चल रहे हैं वो आप स्कैडा से कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसे और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल थ्री लेवल्स। यहाँ आप देखिए, लेवल नंबर टू पे है स्कैडा सिस्टम, ये है स्कैडा सिस्टम। ओके, ये लेवल नंबर वन पे है पीएलसीज, यहाँ पे हमने दो पीएलसीज कनेक्ट किए हैं। उसके नीचे आप देख सकते हो लेवल नंबर जीरो पे फील्ड डिवाइसेस, ये है हमारा पंप और ये है फ्लो सेंसर और ये टैंक, टैंक के साथ दो लेवल सेंसर्स कनेक्ट किए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वॉल्व। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो जो पहला पीएलसी है, पीएलसी वन, ये पंप कंट्रोल कर रहा है, पंप का जो फंक्शन है वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो रीडिंग लेके। और अब ये देख सकते हो सेकंड पीएलसी जो है वो लेवल सेंस कर रहा है, लेवल सेंस करके जो वॉल्व है वो वॉल्व कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये हो कैसे रहा है आप देख सकते हो। यहाँ जो हमारा जो स्कैडा सिस्टम है वो स्कैडा सिस्टम पीएलसी से स्टेटस रीड करते रहता है। ठीक है, जो भी चल रहा है पीएलसी वन में या पीएलसी टू में, ये पूरा स्टेटस कहाँ जा रहा है, स्कैडा में जा रहा है। ओके, तो स्कैडा क्या करता है, जो रीडिंग्स आ रहे हैं उसके मुताबिक
वो ऑपरेटर क्या करता है कि सेट पॉइंट वैल्यूज डिसाइड करता है और वो सेट पॉइंट वैल्यूज पीएलसी वन एंड पीएलसी टू को सेंड करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो कमांड सिग्नल्स है जो हम सेट पॉइंट वैल्यूज भेजे हैं उसके मुताबिक वो क्या करता है, पीएलसी वन जो है वो फ्लो रेटिंग, जो फ्लो रेटिंग है वो सेट पॉइंट वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करके, जैसे वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है उस कंडीशंस के हिसाब से पंप कंट्रोलिंग होता है। इसी तरह पीएलसी टू में जब आप आएंगे तो पीएलसी टू में वो क्या कर रहा है, लेवल लेवल सेंस कर रहा है, तो लेवल के हिसाब से वो जो हमने सेट पॉइंट दिया है वो सेट पॉइंट से कंपेयर करता है लेवल सेंस लेवल रीडिंग्स और उसके हिसाब से वो वैल्यू वॉल्व जो है वो वॉल्व कंट्रोल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो भी है यहाँ पे जो भी अपना प्लांट ऑपरेशन है आप ये सारे चीज़ें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हो स्कैडा सिस्टम में। ठीक है, और जो आप मॉनिटर कर रहे हो ये जो प्लांट ऑपरेशंस आप यहाँ पे मॉनिटर करके आप जो भी आप करना चाहते हैं जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और लेने के बाद आप जो करना चाहते हैं वो आप इंस्ट्रक्शंस पीएलसीज को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर पीएलसीज क्या करते हैं, ऑपरेटर के ऑपरेटर जो कमांड सिग्नल्स भेजे हैं उसके मुताबिक पीएलसी ऑपरेशन शुरू करता है। तो ये पीएलसी वन जो है लूप वन जो क्लोज्ड लूप वन है वो कंट्रोल कर रहा है और पीएलसी जो टू है वो सेकेंड क्लोज्ड लूप कंट्रोल कर रहा है। तो ये है पंप कंट्रोलिंग कर रहा है पीएलसी वन और ये पीएलसी टू लेवल कंट्रोलिंग कर रहा है यानी वॉल्व ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जांपल है, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, वेयर यू कैन यूज स्कैडा, राइट, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्कैडा। मैं आपको बता दूँ आप छोटे से लेके बड़े प्लांट तक आप कहीं पे भी आप ये कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हो यानी स्कैडा कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ पब्लिक सेक्टर्स लाइक पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जो पावर सेक्टर्स हैं आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हो, रेलवे जैसे कि रेलवेज, ये सब शिपयार्ड्स, एयरपोर्ट्स, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में आते हैं, ये हर जगह भी यूज़ होता है। और जैसे कि इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल्स ले लिए तो हम पेपर मिल इंडस्ट्रीज, पेपर मिल्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, इन सब इंडस्ट्रीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। और एग्जांपल ले लिए तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज़, आप रिसाइकलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, हर जगह पे ये रिलायबल है एंड 100% गारंटी है कि ये अच्छे से काम करता है कंट्रोल सिस्टम, आप यूज़ कर सकते हो। हमारा चौथा सवाल है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्कैडा सिस्टम, यानी स्कैडा सिस्टम के विशेषताएँ क्या हैं। आप देखेंगे अगर आप स्कैडा सॉफ्टवेयर जो हम इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में उसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं यानी विशेषताएं बहुत हैं। कि मैं बता दूँ सबसे पहले आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जो भी आपका प्लांट है, जो भी आपका प्लांट चल रहा है उसके ऑपरेशन सब आप स्क्रीन में देख सकते हो। तो स्क्रीन में आपको देखने के लिए एनिमेशन आप कर सकते हैं स्कैडा सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरी बात आप अलार्म्स हैंडल कर सकते हैं, अलार्म्स आप लगा सकते हैं, जो भी आपके जो प्लांट ऑपरेशंस चल रहे हैं आप उसमें अलार्म्स एनेबल कर सकते हैं, जब चाहे तब आपको अलर्ट करेगा, मतलब आपको जब भी चाहिए जिस वक्त चाहिए उस वक्त आप अलार्म सेट कर दीजिए तो वो आपको अलार्म बजाएगा, जैसे कि साइरेंस इंडिकेटर्स के रूप में आपको बताएगा कि हाँ आपका जो कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया, तो अलार्म बजेगा इस तरह से। देन और एक है ट्रेंड्स, ट्रेंड्स यानी क्या है कि जो आपका प्लांट का डेटा है वो आपको प्रेजेंट करता है मॉनिटर्स में, वो प्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज है, वो मतलब अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें पहला तरीका है ट्रेंड्स, ट्रेंड्स में आपको कैसा दिखाता है, ग्राफ में दिखाता है, एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस यानी टाइम लाइन होता है और वाई एक्सिस जो है आपका पैरामीटर होता है, वो टाइम के मुताबिक आपको वो रीडिंग देता है।
और आप जैसे वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं ना, वेदर रिपोर्ट्स की तरह वो आपको डेटा आपको शो करता है। वो एक प्रेजेंटेशन, डेटा प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, तो आप उसमें ट्रेंड्स में देख सकते हो। दूसरा है डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी क्या है, आप जो डेटाबेस सर्वर्स है उसके उसको यूज़ करके आप जो है डेटा को मैनेज कर सकते हो, और आप जो पीएलसी से जो आपने डेटा एक्सेस किया है वो आप सेव कर सकते हो डेटा बेस सर्वर्स में या डेटा बेस एप्लीकेशंस में, आप सेव कर सकते हो, जब चाहे तब आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है रिपोर्ट जनरेशन। आप स्कैनर यूज़ करके आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हो। इसके लिए स्पेशली किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है आपके प्लांट में, ताकि आप रिपोर्ट्स जनरेट कर सके। वो ऑटोमेटिक अगर आप असाइन कर देंगे रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो वो रिपोर्ट जनरेट कर देता है। इवन सेकेंड टू सेकेंड भी वो डेटा लॉग कर सकता है। वो इतना फास्ट है, इतना एक्यूरेट है, इतना परफेक्ट है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको असाइन करना है कि हाँ आपको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जो भी करना है वो करेंगे, तो वो आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से आप ये कर सकते हो, जो भी आप एप्लीकेशन है आपका, जो भी प्लांट एप्लीकेशन है, ऑपरेशन है, वो आप कहाँ से हैंडल करोगे, वो सॉफ्टवेयर से सिस्टम में आपके कंप्यूटर में आप हैंडल करोगे, राइट। तो वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि करता है, क्योंकि अनजान आदमी वो एक्सेस ना करे। तो जब भी आपको एक्सेस करना होगा आपको यूज़र नेम पासवर्ड्स ये सब डालने पड़ेंगे, तो ही वो खुलेगा, तभी आप एक्सेस कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं तो आप स्क्रिप्ट्स, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। यानी आप अगर आपको आपका जो प्लांट है वो आपको अगर डिज़ाइन करना है, स्कीमेटिक डिज़ाइन बोलते हैं, तो वो P&ID के बेस पे होता है। तो P&ID के बेस पे जो डायग्राम होता है वो आप डिज़ाइन कर सकते हो आप अपने सिस्टम में ये स्कैडा सॉफ्टवेयर यूज़ करके, और उसको मिमिक कर सकते हो, यानी एनिमेशंस कर सकते हो। जैसे वो हाँ प्लांट पे चलता है बिल्कुल आपको यहाँ वैसे ही दिखाएगा, रियल टाइम, नियर टू रियल टाइम, एग्जैक्ट नहीं लेकिन नियर टू रियल टाइम, मतलब जैसे ही वहाँ हो रहा है वैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं, ना कि आप ये सब भी कर सकते हो। आप लैन कनेक्ट करके आप जो भी आपका एप्लीकेशन है आप मॉनिटर्स और नंबर ऑफ सिस्टम्स कंप्यूटर्स लेके आप उसको लैन में कनेक्ट करके आप एक साथ सारे स्लाइड्स देख सकते हो, एक एक मॉनिटर में एक एक स्लाइड देख सकते हो। यानी आप जो है कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए आप नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। और ओके, तो ये सब जो फीचर्स हैं आप स्कैडा सॉफ्टवेयर यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्कैडा सिस्टम्स। हाँ, तो कितने तरह के स्कैडा सिस्टम्स है हम अभी जानेंगे। तो इसमें आप देखेंगे इसमें चार जनरेशन्स हैं, यानी फोर लेवल्स हैं। कि पहला देखेंगे फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में मोनोलिथिक स्कैडा सिस्टम आता है। मोनोलिथिक स्कैडा सिस्टम में ये एक इंडिपेंडेंट स्कैडा कंट्रोल सिस्टम है, जिसमें एक सुपरवाइजरी मॉनिटर होता है और उसके साथ कुछ कंट्रोल हार्डवेयर कंट्रोलर्स कनेक्ट होते हैं। तो ये टोटली इंडिपेंडेंट है, ये दूसरे स्कैडा सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक ज़माने में कॉमन नेटवर्क नहीं था तो ये इंडिपेंडेंट रहते थे। तो इसमें नेटवर्क मतलब जो सिस्टम में ज़्यादा खर्चा होता था, तो वो एक ज़माने की बात है। तो आप वहाँ पे आप लैन या वैन ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बड़े नेटवर्क में आप नहीं कर सकते। तो इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया। नेक्स्ट जनरेशन में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैडा सिस्टम। जो डिस्ट्रीब्यूटेड स्कैडा सिस्टम है वो लैन सपोर्ट करता है, यानी कि आप चार पाँच स्कैडा कंट्रोल सिस्टम्स आप लैन में कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो प्लांट ऑपरेशंस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी था आपके प्लांट ऑपरेशंस में वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, चार पांच सिस्टम्स कनेक्ट करके आप जो भी काम है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी सिंपली कहे तो आप वो लैन में कनेक्ट करके आप जो भी है वो सिंप्लीफाई कर सकते हो आपके फंक्शंस।
इसके बाद आता है नेक्स्ट लेवल पे थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में नेटवर्कड स्कैडा सिस्टम कहते हैं। जो नेटवर्कड स्कैडा सिस्टम है वो और ऊपर लेवल जाता है, यानी वैन। आपने सुना होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में काफ़ी कनेक्ट कर सकते हैं आप, मतलब एक या दो या तीन नहीं, आप काफ़ी मतलब 10, 20, 40 स्कैडा सिस्टम्स आप कनेक्ट कर सकते हो, यानी लेवल बढ़ जाता है आपका। और जैसे कि आपका प्लांट डिज़ाइन, प्लांट जितना बड़ा प्लांट होगा, जितना बड़ा आपका प्लांट ऑपरेशन, जितने ज़्यादा होंगे ऑपरेशंस उतना आपको बढ़ जाएगा स्कैडा कंट्रोल सिस्टम। तो उसके हिसाब से आप नेटवर्कड स्कैडा सिस्टम यूज़ करेंगे तो आप वैन में कनेक्ट कर सकते हैं। वैन मतलब लैन से नेक्स्ट लेवल आता है। वैन लैन से थोड़ा बड़ा है एरिया नेटवर्क का, जो इसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें आप ज़्यादा सिस्टम्स कनेक्ट कर सकते हो। लैन में उतने नहीं कर सकते, उसमें लिमिटेशन, तो वैन में ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन ये है थिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट थिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी करके फोर्थ जनरेशन है, जिसमें आप ना कि वैन, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। तो आप इस देश में नहीं, दूसरे देश में भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो इसमें क्या होता है, और एरिया बढ़ जाता है, नेटवर्क का एरिया बढ़ जाता है, आपको रिमोट लोकेशंस का जो भी है आप इजीली हैंडल कर सकते हो। आप यहाँ रह के दूसरे देश में क्या चल रहा है, उधर का जो प्लांट ऑपरेशन भी आप यहीं से कनेक्ट करके आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी हैंडल कर सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो, मतलब लेवल बढ़ जाता है। तो फर्स्ट लेवल जो था, फर्स्ट जनरेशन, वो मोनोलिथिक था, टोटली इंडिपेंडेंट था, तब नेटवर्क इतना डेवलप नहीं हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आया वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम, आप लैन तक कनेक्ट कर सकते हो। फिर नेटवर्क स्कैडर सिस्टम, जिसमें आप वैन यूज़ कर सकते हो, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर फोर्थ आता है इंटरनेट थिंग्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्कैडा सिस्टम, जिसमें आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट यूज़ करके आप जहाँ पे भी रहो आप वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें जो स्पैन है वो बढ़ जाता है, हाँ, तो इसमें आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो जहाँ पे भी रहो, या रिमोट लोकेशंस में रह के भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये रहा स्कैडा प्रोवाइडर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे वंडरवेयर। वंडरवेयर एक ऐसा कंपनी है जो आपको स्कैडा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उसका नाम है इनटच, ओके। तो सेकंड आप देख सकते हैं इंटेल्यूशन, उसका नाम है सॉफ्टवेयर का नाम आईफिक्स, ओके। देन थर्ड आता है सीमेंस, सीमेंस का सॉफ्टवेयर का नाम है विनसीसी। एंड देन फोर्थ देख सकते हैं आप रॉकवेल सॉफ्टवेयर, जो प्रोवाइड कर रहा है सॉफ्टवेयर स्कैडा सॉफ्टवेयर आरएसयू। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, तो और काफ़ी कंपनी से जो स्कैडा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिए हैं आप देख सकते हैं। तो ये था स्कैडा के बारे में जो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ।